कांग्रेस ने महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को सुबह से ही संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया। इस बार कांग्रेस की अलग ही प्लानिंग दिखी। सबसे पहले सोनिया ने कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद में काले कपड़े पहनकर जमकर नारेबाजी की। उसके बाद राहुल गांधी संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हिरासत में ले लिया। इसके बाद पार्टी मुख्यालय में मौजूद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और वे अपने सांसदों के साथ पीएम आवास घेरने के लिए निकली, लेकिन यहां भी पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। नतीजन वे सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। इस दौरान अजय माकन, सचिन पायलट, हरीश रावत, अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या को देखकर अकबर रोड पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस ने 3 लेयर में जवानों को तैनात किया। किसी भी कार्यकर्ता को अंदर नहीं जाने दिया गया। दिल्ली पुलिस हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेताओं को किंग्सवे कैंप, पुलिस लाइन कैंप लेकर पहुंची है। यहां मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रंजीत रंजन सहित अन्य कांग्रेसी सांसदों को लाया गया है। चलिए आपको बताते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन से जुड़े कुछ अपडेट्स। प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर इलाके को छोड़ पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार हमें महंगाई के खिलाफ विरोध करने से रोकना चाहती है, इसलिए लगातार कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल जी ने जो कहा आप समझ ले कि देश में क्या हालात है। किसी ने कहीं सोचा होगा कि देश में लोगों को लोकतंत्र समाप्त होते देखना होगा। देश में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का आतंक है। दिल्ली, पटना, मुंबई, भोपाल समेत देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इससे पहले सुबह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आप तानाशाही का मजा ले रहे हैं, यह रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस सरकार ने 8 साल में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। दरअसल कांग्रेस आज देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मीडिया से बात करने के दौरान वह अपने बाजू पर काली पट्टी बांधे दिखे। राहुल गांधी बताते हैं कि देश की मीडिया, इलेक्टोरल सिस्टम, इनके दम पर विपक्ष खड़ा होता है, लेकिन देश में हर इंस्टीट्यूट में जब हमारी सरकार होती थी तब इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल होता था, अब उसमें दखल नहीं देते थे। आज यह सरकार के साथ है, कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां लगा दी जाती हैं। फिर वो बताते हैं लोकतंत्र की जो मौत हुई उसमें आपको कैसा लग रहा है। जिस लोकतंत्र को 70 सालों में बनाया गया उसे 8 सालों में खत्म कर दिया गया। राहुल गांधी ये भी बताते हैं कि मेरी दिक्कत ये है कि मैं सच्चाई बोलूंगा, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा। जो डरता है वो धमकाता है, जो आदेश की हालात है उससे डरते हैं, जो उन्होंने पूरी नहीं किए। महंगाई और बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की शक्ति से डरते हैं, क्योंकि ये 24 घंटा झूठ बोलते हैं। तो वहीं अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर 300 मीटर की दूरी के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। किसी भी कार्यकर्ता को शुक्रवार को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है।